आज हमने स्विच केस पढ़ना है, राइट। अच्छा, स्विच केस से पहले ना एक चीज़ और भी रह गई थी, इफ एल्स के साथ हमने वो पढ़नी थी चीज़, वो रह गई थी। अच्छा, स्क्रीन मेरी शेयर नहीं है ना, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। भाई हुआ क्यों नहीं है, उस वाले प्रोजेक्टर का बटन दबाना पड़ता है। अच्छा, तो भाइयों तो टर्नरी ऑपरेटर भी पढ़ लेते हैं साथ साथ, स्विच स्टेटमेंट, ये दोनों चीजें आज इंशाल्लाह हम कवर कर लेते हैं। अच्छा, इमेजिन करो कि तुम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें यूजर से तुम क्या पूछते हो, यूजर से तुम पूछते हो कि भाई उसकी एज क्या है, उसकी एज क्या है। बंदा बोलता है 30, 40, 20, कुछ भी बोलता है, तो मैंने कहा लेट एज इक्वल्स टू, अच्छा प्रॉम्प्ट लेंगे हम, लेकिन चलो अभी मैं हाथ से लिख देता हूँ, बल्कि प्रॉम्प्ट से ही लिख देता हूँ, चलो नहीं हुई है, दोबारा कर देता हूँ, हो गई। अच्छा, लेट एज मैंने बता दिया, एज मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। अब ये सॉफ्टवेयर, ये इनपुट तो ये हो गया, सॉफ्टवेयर में क्या होता है, बेसिक तीन चीजें होती हैं, एक होता है इनपुट, एक होता है उस इनपुट को प्रोसेस करना, और फिर एक होता है उसका आउटपुट, ठीक है। तो टर्नरी ऑपरेटर में हमने क्या किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं जो इनपुट लेता है एज, और वो ये बताता है रिटर्न में कि आप यंग हो या ओल्ड। तो इसको इफ एल्स के जरिए मैं कैसे करता, मैं कहता इफ एज इज लेस देन 18, यानी 18 से कम, अगर 17 तक अगर वो है, क्योंकि 18 का बंदा हो गया फिर क्या हो जाता है, फिर ओल्ड हो जाता है, ठीक है, यंग नहीं रहता, फिर एनआईसी बन जाती है उसकी। तो अगर ये 18 से कम है एज, तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार क्या करवा दो, अलर्ट करवा दो कि यू आर नाउ अ ग्रोन मैन, कि आप अभी बड़े आदमी हो चुके हो, सही है, अभी आप बच्चे नहीं हो, सही है, ये मैंने करवा दिया। एल्स, एल्स में मैंने क्या किया, एल्स में मैंने अलर्ट करवा दिया यू आर यंग। ये इफ एल्स हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इस काम को करने का ना एक तरीका और भी है, वो है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर जो है वो बिल्कुल इफ एल्स की तरह होता है, लेकिन अभी दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम समझते हैं, पहले ज़रा लेकिन चलाना सीख लें उसको कि क्या है। तो ये इफ एल्स से जो काम किया है मैंने, इसको मैं रोक देता हूँ, अब मैं यही काम टर्नरी ऑपरेटर से करता हूँ। मैं कहता हूँ कि लेट रिजल्ट इक्वल्स टू, ठीक है, मैंने कहा एज अगर छोटा है 17 से क्वेश्चन मार्क, तो क्या रिटर्न कर दो, ये वाली बात रिटर्न कर दो, डबल हो गया, ठीक है। एल्स कॉलन लगाया मैंने, मैंने कहा ये वाली बात रिटर्न कर दो, ठीक है। इसका सिंटैक्स समझ आया क्या है, जैसे इफ के अंदर गोल ब्रैकेट ऐसे लगती है ना, उसमें इफ का कीवर्ड होता है, इसमें इफ का कीवर्ड नहीं होता, डायरेक्ट गोल ब्रैकेट होती है। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर कोई भी कंडीशन आप दे सकते हैं, जो जो कंडीशन इफ एल्स में लगती है वो सारी कंडीशन यहाँ पे लग सकती है, सही है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है, इसी से पहचानता है जावास्क्रिप्ट के टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के बाद जो मैंने पहली चीज़ बताई है ना, पहली चीज़ जो बताई है, ये ट्रू होने की सूरत में होता है, उसके बाद एक कॉलन, ये होता है फॉल्स होने की सूरत में। अच्छा, होगा क्या होता है, अगर ये कंडीशन जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ये पूरा टर्नरी स्टेटमेंट, ये पूरा यहाँ से लेके जितना सेलेक्ट हुआ है, ये पूरा टर्नरी का स्टेटमेंट है, राइट, ये पूरा टर्नरी का स्टेटमेंट है आखिर तक।
अगर टर्नरी ऑपरेटर के अंदर दी गई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगा, ये वाला पार्ट रिटर्न करेगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है, जो इसके अंदर कंडीशन दी गई है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये पूरी स्टेटमेंट क्या रिटर्न करेगी, ये सेकंड वाला आइटम। ठीक है, अच्छा हमारे केस में मिसाल के तौर पर बंदे ने क्या एंटर किया, बंदे ने एंटर किया 30। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी उस केस में, फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने की सूरत में क्या होगा, ये वाली चीज़ रिटर्न होगी। हम ये शुरू से देखते हुए आ रहे हैं कि रिटर्न जब मैं बोलता हूँ तो उसका क्या मतलब होता है, कि ये पूरी स्टेटमेंट खुद गायब हो जाएगी जब ये कोर्ट चलेगा, तो ये पूरी स्टेटमेंट खुद हट जाएगी, उसकी जगह ये बात आ जाएगी। ठीक है, जो सेकंड वाली चीज़ है वो आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं दो लाइनों में ब्रेक कर लेता हूँ ताकि ये सही से नज़र आए, अभी ये सही से नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया, लाइनों को वो कर लिया, डिवाइड कर लिया तीन लाइनों में। ठीक है, ये आप कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, लाइन में डिवाइड करने के बाद ये देखने में कुछ ऐसा इफ एल्स के जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल समझ में आई ये वाली बात सब लोगों को। अच्छा, इसी की एक एग्जांपल और करके देखते हैं। इसको पूरे को मैंने रोक दिया। अच्छा, अब सवाल ये है कि क्या टर्नरी ऑपरेटर सिर्फ स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है या इसके अलावा भी कुछ कर सकता है। इसके लिए हम कुछ एक और ले लेते हैं, बताओ कोई और ऐसी एग्जांपल बताओ। अरे ये हुए ना, हाँ, इफ जो गोल ब्रैकेट है ना उसके अंदर, इफ के अंदर जो जो चीज़ें लगती हैं सब उसमें लग सकती है। सही है, मैंने कहा कि सही है, इज ओपन ट्रू। अगर मेरे पास डेटाबेस में कोई गेट है, इमेजिन कर लो कि कोई गेट है जो ऑटोमेटिकली ओपन क्लोज होता है, कुछ इस तरह की चीज़ है, तो उसका डेटाबेस में ना वैल्यू स्टोर होती है। अच्छा, जिस बंदे ने वो गेट लगाया वो चेक करना चाह रहा है, वो चेक करना चाह रहा है कि अभी इस वक्त गेट ओपन है या क्लोज है, वो ये चेक करना चाह रहा है, राइट। अच्छा, तो ये डेटाबेस से मेरे पास वैल्यू उठ कर आ गई कि इस गेट ओपन, ये ट्रू है, इसका मतलब है गेट खुला हुआ है इस वक्त। अब ये जो डेटाबेस से वैल्यू उठ के आई है ना, इसके बेस पे मुझे यूज़र को एक जुमला दिखाना है, ये मेरा यूज़ केस है, इमेजिन कर लो। तो मैंने कहा कि भाई लेट रिजल्ट ऑन स्क्रीन, ठीक है, एक वेरिएबल बना लिया कि स्क्रीन पे मुझे क्या रिजल्ट दिखाना है। यहाँ पे मैंने टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर मैंने लगाया कि भाई इज गेट ओपन, ठीक है, अगर इस गेट ओपन में क्या चीज़ है, कोई ट्रूथ ही वैल्यू है। हम ये इफ के अंदर कर सकते हैं ना, डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर कोई ट्रूथ ही वैल्यू है तो क्या रिटर्न करो कि गेट इज ओपन, ठीक है, अदरवाइज लिख दो कि गेट इज क्लोज्ड। समझ में आ गया, ये ट्रू या फॉल्स के बेस पे मैंने यहाँ पे से स्ट्रिंग रिटर्न करवाया। अच्छा, इस स्ट्रिंग के जरिए, इस स्ट्रिंग की जगह मैं ट्रू फॉल्स भी करवा सकता हूँ, कुछ और भी रिटर्न करवा सकता हूँ, टोटली मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं क्या करवाता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मेरी इस एग्जांपल में भी स्ट्रिंग ही रिटर्न हो गया, मैं ये चाह रहा था स्ट्रिंग के अलावा कुछ और रिटर्न हो। अच्छी सी एग्जांपल कोई आ रही नहीं है ज़हन में, मतलब ये तो वैसे क्लियर हो गया, लेकिन मैं कोई चाह रहा था ऐसी एग्जांपल हो जिसमें स्ट्रिंग के अलावा कुछ रिटर्न हो रहा हूँ। नहीं, वो एक्शन लेना तो इसमें नहीं करते हैं इंटरनली, में एक्शन के लिए वो इफ़ेल्स इस्तेमाल करते हैं, ये रिटर्न सिंगल वैल्यू के लिए होते हैं। खैर, अच्छा, तो ये हमने क्या कर दिया, रिजल्ट ऑन स्क्रीन करके हमने ये दिखा दिया। मैंने कॉन्सोल पे, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग रिजल्ट ऑन स्क्रीन, ये स्क्रीन पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसको अब चला के भी देख लेते हैं कि स्क्रीन पे आया कि यही रिजल्ट आता है या कुछ और आता है। ये मैं कॉन्सोल पे गया, देखो लिखा हुआ आ गया कि गेट इज ओपन, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, गेट इज क्लोज्ड, ठीक है। तो वही काम जो हम इफ एल्स से करते हैं वो काम हम टर्नरी से भी कर सकते हैं।
अब सवाल ये है कि टर्नरी में और इफ एल्स में डिफरेंस क्या है, अगर कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पर टर्नरी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इफ एल्स से वो काम नहीं हो सकता, या कौन सी ऐसी जगह होगी जहाँ पे इफ एल्स की ज़रूरत पड़ेगी टर्नरी से वो काम नहीं हो सकता। तो हम इसको देख लेते हैं प्रोज एंड कॉन्स, सही है, प्रोज एंड कॉन्स हम देख लेते हैं कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। आखिर सबसे पहले भाई टर्नरी ऑपरेटर कैन ओनली हैव वन स्टेटमेंट, एक लाइन से ज़्यादा का स्टेटमेंट इसमें नहीं हो सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा ना इस गेट ओपन, और उसके बाद ये जो मैंने बात लिखी है ये एक लाइन का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर, इवैल्यूएट्स टू सिंगल वैल्यू, ठीक है। आपकी जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो हमेशा इवैल्यूएट किस पे होता है, एक सिंगल वैल्यू पे इवैल्यूएट होता है। मतलब ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर खुद ख़त्म हो जाता है, एक वैल्यू रिटर्न करता है। इफ एल्स ऑन अदर हैंड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, ठीक है। ये वन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखनी है, कोई आपने कंडीशन लगाई, उस जब कंडीशन ट्रू होती है तो आपने 200 लाइन का कोड लिखना है या 4 लाइन का कोड लिखना है, तो आप इफ एल्स आपके लिए फिर ज़रूरी है इस्तेमाल करना, ठीक है। इसमें भी हो जाता है लेकिन वो काफ़ी मैसी हो जाता है, तो रिकमेंडेड ये है कि फिर आप इफ एल्स इस्तेमाल करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, सिंगल वैल्यू का भी मतलब समझ आ गया कि ये हमेशा सिंगल वैल्यू पे इवैल्यूएट होता है। अगर देखो यहाँ पे मैंने जो काम इफ एल्स से किया है ना, मैंने अलग अलग यहाँ पे अलर्ट लिखवाया है, ठीक है। ऑन अदर हैंड इसमें मैंने क्या किया, एक ही लाइन में ये रिजल्ट करके प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसको मैं इन लाइन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, इन लाइन अभी हम इस्तेमाल करके देखते हैं, सही है। टर्नरी ऑपरेटर कैन बी यूज्ड इन लाइन, जो कि इफ एल्स को आप इन लाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। इन लाइन कैसे यूज़ होता है वो अभी हम देख लेते हैं करके। मिसाल के तौर पे इस रिज़ल्ट को मैं वापस ओपन करता हूँ, ठीक है, इस रिज़ल्ट को मैं वापस ओपन करता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई, बल्कि इसको नीचे एक नया बना लेता हूँ, ठीक है, नीचे एक नया बना लेता हूँ और थोड़ा सा इसको मॉडिफाई भी कर देता हूँ मैं साथ साथ, और इसमें मैं मेंशन भी कर देता हूँ कि ये क्या है, इन लाइन यूजेज है इसका, ठीक है। इन लाइन यूजेज को मैंने ओपन किया, ये बिल्कुल देखो वही कोड है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अलग से वेरिएबल नहीं बना रहा, ठीक है। ये मेरा टर्नरी ऑपरेटर है, ये टर्नरी ऑपरेटर ना मैं डायरेक्ट कहाँ पे लगा सकता हूँ, ये मेरा कॉन्सोल डॉट लॉग है, इसमें मैं कोई चीज़ प्रिंट करवा रहा हूँ। क्या प्रिंट करवा रहा हूँ, गेट इज, और गेट इज के बाद ना इस स्ट्रिंग के बीच में मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेटिंग करता हूँ और यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर लगा देता हूँ, दैट इज इन लाइन यूजेज। अब गौर करो, देखो इसमें हो रहा क्या है, मैं इसको तीन लाइनों में ब्रेक कर दिया है कंसोल डॉट लॉग ताकि बिल्कुल अलग हो जाए, और बीच में आपको सिर्फ क्या दिखे, जो स्ट्रिंग है सिर्फ वो दिखे। अब नोट करो स्ट्रिंग में शुरू में क्या लिखा हुआ है, गेट इज, ये तो सीधा सीधा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद टेम्पलेट जहाँ से स्टार्ट है, टेम्पलेट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जावा स्क्रिप्ट लिख सकते हैं आप, वेरिएबल हम लिखते रहे हैं पहले से, तो अब ये टेम्पलेट जहाँ से शुरू हो रहा है ना और यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखो पूरा टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट के अंदर क्या है, एक कंप्लीट टर्नरी ऑपरेटर है। ये टर्नरी ऑपरेटर इवेल्यूएट होगा सिंगल वैल्यू पे, वो सिंगल वैल्यू क्या होगी, या तो फर्स्ट वाला पार्ट या ओपन लिखा हुआ है जिसमें, या तो सेकंड वाला पार्ट। तो इसका मतलब है कि जब ये कोड चलेगा तो ये टर्नरी ऑपरेटर खुद ख़त्म हो जाएगा, इसकी जगह पे ओपन या क्लोज लिखा हुआ जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। तो ये है इन लाइन यूजेज, इफ एल्स को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे लाजमी है आपके लिए, अगर ऐसा कोई केस है आपके पास, ठीक है। आप वैसे वो भी कर सकते हैं जैसे मैंने ऊपर किया है कि भाई एक अलग वेरिएबल में पहले बना के रख लिया, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने यही किया है, एक अलग वेरिएबल में पहले बना लो इफ एल्स लगा के फिर कर लो, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको कहीं पे इन लाइन उसको इस्तेमाल करना है तो फिर यही तरीका है उसका। अच्छा, फिर कौन से केस के अंदर जो है आप टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो हमने देख लिया कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लाइनें होंगी, एक्शन परफॉर्म करना होगा,
वो असद भाई एथिक की क्लास लेंगे। हाँ भेज दें। जहाँ पे एक से ज़्यादा लाइन का कोड होगा या जिस में एक्शन परफॉर्म करना होगा कि भाई इफ अगर ऐसा है तो कोई एक्शन परफॉर्म करो या नहीं दूसरे पेज पे भेजो उसको, या इस तरह का कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा तो वहाँ पे भी आप टर्नरी को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इस टर्नरी को लेके कोई सवाल ऐसा किसी के जहन में तो प्लीज़ पूछ लें जी। हाँ बिल्कुल, हम नेस्टेड भी इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ वापस से। अब ये नीचे वाली एग्जांपल हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे बंदे का जो ग्रेड है हम ये लगा लेते हैं कि मार्क्स होते हैं ना, ग्रेड निकालते हैं कि भाई 70 से बड़ा हो 80 से छोटा हो तो ये कर दो, अगर ये नहीं हो फिर अगली कंडीशन चेक करो। इसी में होता है ना नेस्टेड लगता है, फिर एक के बाद फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा। ठीक है, तो एल्स इफ एल्स इफ भी हो जाता है, चेन स्टेटमेंट और नेस्टेड भी हो जाता है, दोनों हो जाते हैं इसके अंदर। अच्छा तो पहले तो मैं लगा देता हूँ चेन स्टेटमेंट। आ जाए सर, वो जरा मैं आपको बता देता हूँ। लेट परसेंटेज इक्वल टू 70। अब एक तो ये होगा ना कि 70 से अगर मतलब 70 से छोटा बड़ा तो पास फेल का उस पर फैसला कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि अगर मेरा जो परसेंटेज है वो बड़ा है 80 से तो क्या रिटर्न करो, ये A1 ग्रेड हो गया फिर तो। अच्छा एल्स में मुझे फेल नहीं करवाना, एल्स में मुझे एक और बात चेक करनी है, तो एल्स में मैं क्या करूँगा, ये पूरा चेन स्टेटमेंट ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे मैं दोबारा से पेस्ट कर दूँगा। नोट कर रहे हो क्या हुआ ये, इसको थोड़ा मैं लाइन ब्रेक करूँगा तो ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। कंडीशन एक चेक हुई, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद ट्रू होने की सूरत में क्या होगा वो आ गया, और फॉल्स होने की सूरत में एक नया टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया। ठीक है, 80 से बड़े वाले को तो मैंने निमटा दिया, अब क्या होना चाहिए, 80 से छोटा और 70 से बड़ा है जो, ये दोनों मुझे चेक करना है। ठीक है, तो 80 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, परसेंटेज मेरा 80 से छोटा हो जाना चाहिए, एंड परसेंटेज बड़ा होना चाहिए 69 से ना, क्योंकि 70 तक एक ग्रेड होता है, तो अगर मैं इसको 70 रखूँगा तो वो 70 पे भी ट्रू नहीं होगा, 69 रखूँगा तो 70 पे ट्रू होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पे जब इस जगह पे जब 70 आएगा तो ये ट्रू होगा। ठीक है, जहाँ ये 69 हो गया फिर ये फॉल्स होने लग जाएगा, तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे कि ए ग्रेड है ये सही तो है, परसेंटेज छोटा हो 80 से और बड़ा हो 69 से, हाँ सही है ये। एक और चेन स्टेटमेंट भी लगा सकता हूँ मैं, ये पूरे को कॉपी कर दूँगा नीचे दोबारा। क्या किया मैंने ये, ठीक है देख रहे हो, एक चेक हुआ फिर दूसरा चेक हुआ फिर तीसरा चेक हुआ, अब मैंने उसको कहा कि भाई 70 से छोटा हो और 59, इसको मैंने कर दिया बी ग्रेड। अब एल्स में इसको फेल करवा देते हैं, अब काफ़ी हो गया। ठीक है, अब मैं इसको एल्स में फेल करवाऊंगा, तो ये मैंने इसकी बना दी चेन स्टेटमेंट। तो ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट का वेरिएबल, ये पूरा टर्नरी ऑपरेटर इज गोइंग टू इवेल्यूएट ऑन अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, और वो सिंगल वैल्यू क्या हो सकती है, या तो वो A1 होगी, या तो वो A होगी, या तो वो B होगी, या तो वो फेल होगी, इन चारों में से कोई एक वैल्यू पे इवेल्यूएट होगा पूरा टर्नरी ऑपरेटर। सही है, इसमें और किसी का कोई सवाल, एक लाइन, हाँ मैंने लाइन ब्रेक इसलिए किया ना कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ना एक डिज़ाइन गाइडलाइन होती है कि आपकी जो लाइन है ना, एक लाइन वो 40 कैरेक्टर से ज़्यादा आगे नहीं जानी चाहिए ना, उससे होता है क्या, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है, अदरवाइज आप पूरा भी लिख देना तो मसला नहीं है। हाँ, इंडेंटेशन का तकाजा है ये,
अदरवाइज कोड में फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है तो पढ़ा नहीं जाता बिल्कुल। अबे क्या भाई पीछे कॉमेडी शो चला रहे हो, मुझे भी बता दो मैं भी हंसूंगा। एक लाइन में कर दूं इसको? नहीं नहीं, ये कोड तो तुम्हारे पास ही है ना, इसको एक लाइन में कर लेना, बात मसला थोड़ी है। अच्छा, इसको लिखने का सही तरीका यही है, एक लाइन में अगर ज़्यादा लंबा है ना, 40 कैरेक्टर से आगे जा रहा है, तो उसको लाइन को ब्रेक करना होता है आपको कुछ ना कुछ करके ना, लाइन को फिर आपको ब्रेक करना होता है। तो सही तरीका तो यही है जो यहाँ लिखा हुआ है, अदरवाइज़ अगर आपको एक लाइन में करके देखना है तो ये कोड मैं गिटहब में पुश कर देता हूँ, पब्लिक है, आप जाके उसको अपने हिसाब से करके देख लें, ठीक है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं स्विच की तरफ। ये तो हो गया, टर्नरी ऑपरेटर हमने अच्छे से पढ़ लिया। ये बताया ना मैंने तीन डिफरेंसेस, टर्नरी ऑपरेटर में सिर्फ एक स्टेटमेंट हो सकती है, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आपको लिखनी है या कोई एक्शन परफॉर्म करना है तो आप टर्नरी ऑपरेटर यूज़ नहीं कर सकते। एक तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर इवेल्यूएट टू अ सिंगल वैल्यू, टर्नरी ऑपरेटर पूरा एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है, इफ एल्स कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, तो ये डिफरेंस हो गया एक और। और सिंगल वैल्यू रिटर्न करने की वजह से इसको इन लाइन भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इफ एल्स को इन लाइन इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसमें बल्कि मैं लिख भी देता हूँ ना, इस सूरत में मस्ट यूज टर्नरी, ठीक है, इस वाले केस में आपको टर्नरी मस्ट यूज करना है, और इस वाले केस में मस्ट यूज इफ इफ एल्स, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर कैन नॉट हैव मोर देन वन स्टेटमेंट, ठीक है। ये मैंने पहली वाली लाइन को थोड़ा चेंज कर दिया, मैंने कहा टर्नरी ऑपरेटर कैन नॉट हैव मोर देन वन स्टेटमेंट, तो इस केस में आपको इफ एल्स ही इस्तेमाल करना है, और लास्ट वाले केस में टर्नरी ऑपरेटर कैन बी यूज इन इन लाइन, तो इसमें मस्ट यूज टर्नरी है, इफ एल्स से आप ये काम नहीं कर सकते इन लाइन वाला, सही है। तो ये तीन लाइनों में मैंने डिफरेंस लिखा है, और भी हो सकता है कोई एक दो डिफरेंस हो छोटे मोटे, वो अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा कोई ऐसा, ठीक है, लेकिन बेसिक यही डिफरेंस है इसके अंदर जो ये तीनों मैंने बता दिया। अच्छा, अब हम चलते हैं स्विच स्टेटमेंट। index.html एंटर। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट भी जो होता है ना आपका, वो क्या होता है, वो इफ एल्स की तरह होता है, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट भी क्या होता है, इफ एल्स की तरह होता है। स्विच स्टेटमेंट इफ एल्स से फास्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अभी एक मैं कोड लिखता हूँ, उसको इफ एल्स में भी लिख कर देखेंगे, फिर हम स्विच स्टेटमेंट में भी लिख कर देखेंगे। अच्छा, इमेजिन करें आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं शुरू में मेन्यू पूछता है आपसे, है ना, शुरू में मेन्यू पूछ रहा होता है आपसे, क्या ये मेन्यू सेलेक्ट 1 2 3 ऐसे मेन्यू सेलेक्ट कर रहे हैं आप। तो मिसाल के तौर पे लेट यूज़र मेन्यू सेलेक्शन इक्वल्स टू, ऐसे मैंने प्रॉम्प्ट करके दबा दिया, एंटर योर मेन्यू सेलेक्शन। मैंने पहले जाहिर है उसको मेन्यू शो करवाया हुआ होगा, मैंने क्या होगा, पहले मेन्यू मैंने शो करवाया होगा कि यार ये 4-5 आइटम है। आप जैसे आप कभी सर्विस सेंटर को कॉल करते हैं, अपने टेलीफोन ऑपरेटर के सर्विस सेंटर को कंप्लेन करने के लिए आप कॉल करते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उर्दू के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, फिर आप दबा देते हैं, फिर आगे आता है वो, फिर 0 से लेके पूरा 9 तक बताता है आपको कि ऑपरेटर से बात करने के लिए 0 दबाएं, फिर फला चीज़ के लिए 1, फिर फला चीज़ के लिए 2 ऐसे। तो आपने वो मेन्यू पूरा बता दिया, अब आप यूज़र से पूछ रहे हैं एंटर योर मेन्यू, इस तरह की कोई सिचुएशन है।
अब आपने चेक करना है कि इफ अगर यूजर ने वन सेलेक्ट किया है तो हम उसको बताएंगे कि यू सेलेक्टेड वैन्यू वन। अगर टू वन से लेके फाइव तक का मैंने करवा दिया, ठीक है, वन से लेके फाइव तक मैंने ये सिलेक्शन करवा दी सारी इसकी, आसान था ये, मुश्किल तो नहीं था, ये हम चीज़ पहले भी करके देख चुके हैं। अच्छा, इसके अंदर लेकिन आप नोट करें सिर्फ इक्वालिटी चेक हो रही है और कुछ भी चेक नहीं हो रहा। जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो वहाँ पे रेकमेंडेड ये है कि हम इफ़ स्टेटमेंट यूज़ ना करें, हम स्विच की तरफ जाएं, ठीक है। अब यही काम सेम मैंने स्विच के ज़रिए करना है, इसका स्टेटमेंट यह स्विच यूज़र मेन्यू सिलेक्शन ये वही चीज़ जो है ना इफ एल्स की जगह मैंने अब स्विच केस में लिख कर दे दी, ठीक है, मैंने इफ एल्स की जगह स्विच केस में लिख कर दे दी। अच्छा, कैसे है इसका सिंटैक्स ज़रा समझ लेते हैं। पहले स्विच है कीवर्ड, अच्छा स्विच कीवर्ड के बाद ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में आपने क्या दे दिया, जो भी यूज़र ने चीज़ एंटर की थी ना वो दे दी यहाँ पे एज अ वेरिएबल, जाहिर एज अ वेरिएबल दे दी। उसके बाद आपने लिखा केस और वन, ये वन क्या चीज़ है, स्विच केस इंटरनली इसको कॉम्पेयर करेगा वन से, अगर इस वेरिएबल के अंदर वन हुआ, अगर वन हुआ तो ये चल जाएगा, इसके अंदर अलर्ट लगा हुआ है, जो भी लगा हुआ है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल एक लाइन का कोड है, ये चार पांच लाइन का भी कोड हो सकता है, एक कॉन्सोल भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, एक कॉन्सोल भी हो सकता है, तीन चार पाँच छः दस बारह जितनी मर्जी लाइनें आप लिख लें। जैसे इफ स्टेटमेंट की आप बॉडी के अंदर जो बात लिखते हैं वो आप क्या लिखेंगे, इस केस और इस ब्रेक के दरमियान वो आप सारी बात लिख देंगे, फिर टू फिर थ्री फिर फोर और फाइव सबसे आप आखिर में। फाइव के बाद आप देखें केस नहीं लिखा हुआ बल्कि डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट क्या चीज़ है, अगर आपने जो बात यहाँ पर लिखी है वो किसी भी केस में मैच नहीं होती है तो लास्ट वाला जो डिफ़ॉल्ट केस है आपका ये चल पड़ेगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। इसमें आप किसी का कोई सवाल, इसको चला के देख लेते हैं ना, इसको मैं रोक देता हूँ इफ एल्स वाले को, इफ एल्स वाले को मैंने रोक दिया और ये स्विच वाला लिखा हुआ है सिर्फ। अब ये एक मुझसे मेन्यू पूछेगा, एक सिलेक्शन लेगा मुझसे ये, और जो भी मैं एंटर करता हूँ, मैं अगर लिखूँगा वन तो अलर्ट में लिखा हुआ जाएगा यू सेलेक्टेड वन, अगर टू लिखूँगा तो यू सेलेक्टेड टू, अगर फाइव लिखूँगा तो यू सेलेक्टेड फाइव, और अगर उसके अलावा कुछ और लिखूँगा तो अलर्ट ये वाला चल जाएगा डिफ़ॉल्ट वाला कि यू हैव सेलेक्टेड एन इनवैलिड मेन्यू और मुझे ये मना कर देगा कि भाई ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये अलर्ट आ गया, इसमें मैंने लिखा फोर और फोर लिख के एंटर किया तो क्या लिखा हुआ आ गया, यू सेलेक्टेड मेन्यू नंबर फोर, दैट्स इट। रिफ्रेश किया इसको मैंने, मैंने लिख किया 56 और एंटर कर दिया तो इसने क्या किया, यू सेलेक्टेड एन इनवैलिड मेन्यू, इट्स दैट सिंपल। इसमें कोई मुश्किल चीज़ तो नहीं है जी, नंबर के अलावा सब दे सकते हैं इसमें। अच्छा, इसी का चलो एक और एग्जांपल करके देख लेते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर स्ट्रिंग आ जाए तो फिर क्या होगा, अगर स्ट्रिंग आ जाए तो फिर क्या होगा। अच्छा, इमेजिन करोगे विनिंग टीम, ऐसे विनिंग टीम पाकिस्तान है, इमेजिन करोगे ये मेरे पास डेटाबेस से ये डेटा आ रहा है, विनिंग टीम मैच हो चुका है, मैच हो के ख़त्म हो चुका है, उसका जो रिज़ल्ट है वो डेटाबेस में जा चुका है। अब किसी बंदे ने आके वेबसाइट खोली है और उस वेबसाइट में वो देखना चाह रहा है कि जीता कौन है, सही है, पाकिस्तान से उसने लॉगिन किया और वो देखना चाह रहा है कि वो जीता कौन है। अब मुझे उसको स्क्रीन पे क्या दिखाना है, मुझे उसको स्क्रीन पे ये दिखाना है कि हु विन द मैच, तो ये आ गया इसका स्विच स्टेटमेंट लिखा हुआ, विनिंग टीम जो भी वेरिएबल था मैंने यहाँ दे दिया, मैंने कहा है अगर इसमें हो पाकिस्तान तो आप क्या अलर्ट करवा दो, पाकिस्तान वॉन द मैच, अगर इसमें हो इंडिया तो आप लगा दो इंडिया वॉन द मैच, अगर हो ऑस्ट्रेलिया तो ऑस्ट्रेलिया वॉन द मैच,
इसका वैसे कोई सेंस तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी एक, और डिफॉल्ट में नो टीम वॉन द मैच, अगर इनमें से कोई भी ना हो ना, अच्छा नो टीम नहीं होगा इसमें, सम अदर टीम विन द मैच, ठीक है, कोई तो जीता होगा ना मैच। तो ये स्ट्रिंग के साथ एक एग्जांपल हो गई, ठीक है, विनिंग टीम का ये डेटाबेस से मेरे पास डेटा आया कि विनिंग टीम का नाम क्या है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया कि भाई ऐसे। तो स्ट्रिंग की एक एग्जांपल है ये, जस्ट ब्रेक लाजमी लगेगा, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, हर केस के बाद ब्रेक लगेगा, फिर अगला केस आएगा, फिर उस पर ब्रेक होगा, यानी ये जो केस केस जो लिखा हुआ है यहाँ से लेके ब्रेक तक, ये एक चंक है, एक सेक्शन है। अच्छा, डिफॉल्ट लिखना ऑप्शनल है, जैसे इफ़ के साथ हम हमेशा एल्स नहीं लिखते, ठीक है, तो डिफॉल्ट लिखोगे नहीं लिखोगे तो मसला नहीं है, लेकिन मोस्टली लिखा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, डिफॉल्ट लिख, जैसे इफ़ जहाँ जहाँ लगता है मोस्टली उसके साथ एल्स भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो इसी तरह, लेकिन वो डिफॉल्ट जो है वो क्या है, ऑप्शनल है। तो एक एग्जांपल में सर डिफॉल्ट को मैंने हटा दिया है, ये इंडिकेट करने के लिए कि डिफॉल्ट लिखना ऑप्शनल है। इसमें किसी का कोई सवाल अब स्विच स्टेटमेंट से रिलेटेड? हाँ, ये अब किया ना इसने सही सवाल। अब सवाल ये है कि स्विच स्टेटमेंट में और इफ एल्स में फ़र्क क्या है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में मैंने ये भी कह दिया कि भाई ये इक्वल इक्वल जब होगा ना, इक्वल इक्वल, तो स्विच स्टेटमेंट में वही इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, स्विच स्टेटमेंट में बाय द वे इक्वल इक्वल के अलावा ना एंड और लेस देन ग्रेटर देन सब लग जाता है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो क्या है, रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा, तो हम जो है ना इसका बेंचमार्क चला के देखते हैं। सही है, जावास्क्रिप्ट के ना बेंचमार्क की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बेंचमार्क चला के देखते हैं। तो यही काम हम इफ एल्स से करते हैं और यही काम हम किससे करते हैं, स्विच स्टेटमेंट से करते हैं। स्विच स्टेटमेंट ऐसा कहा जाता है कि थोड़ा फास्ट है, लेकिन उसको बेंचमार्क को रन करने से पहले ऐसे में थियोरेटिकली आपसे पूछना चाहता हूँ कि स्विच स्टेटमेंट में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या किया होगा उन्होंने कि ये फास्ट हो गया। नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको इफ़ एल्स से करता तो पहले वो पाकिस्तान को मैच करता, इफ़ विनिंग टीम इक्वल्स इक्वल्स पाकिस्तान, ये फॉल्स हो गया, इमेजिन कर लो। फिर अगले को मैच करता इफ़ विनिंग टीम इक्वल्स इक्वल्स इंडिया, ये भी फॉल्स हो गया। इफ़ विनिंग टीम इक्वल इक्वल ऑस्ट्रिया, ठीक है, इफ़ विनिंग टीम इक्वल इक्वल इंग्लैंड, ये भी फॉल्स हो गया। सही है, श्रीलंका वाले पे मिसाल के तौर पर ट्रू हो गया। अब यही काम अगर मैं स्विच से करता हूँ तो क्या ये एक दो तीन और चार दफ़ा जो इसने मैच किया था, पांचवीं दफ़ा में जाकर ट्रू हुआ था, स्विच केस में ऐसा क्या होगा कि ये जो पांचवा ट्रू होता है वो पांच दफ़ा कंडीशन चेक ना हो, ऐसा कोई हो सकता है? पांच सीपीयू साइकिल जो है वो तो असूलन इसमें भी घूमने चाहिए ना, या कोई दूसरा अप्रोच हो सकती है जिसमें ये बच जाए हमारे सीपीयू साइकिल? टोकन बना के ये दोस्त कह रहे हैं कि रख लेता है अपने पास, और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, डायरेक्ट कैसे करता है, मतलब श्रीलंका अगर इनपुट में इस विनिंग टीम में श्रीलंका अगर आया है, अगर श्रीलंका आ गया विनिंग टीम में, तो इसको ये कैसे पता चलेगा कि श्रीलंका आया है? ये तो मैच करेगा ना एक एक से जाके, या नहीं करेगा? केस वन चलेगा, फिर केस टू चलेगा। सोचो, ऐसे दिमाग लड़ाओ कि कोई कुछ हो सकता है ऐसा कि इफ से किसी तरह से हल्का सा भी फास्ट हो जाए। अच्छा, इतने में ना मैं जाके लिखता हूँ, क्या मैं विनिंग टीम को बना देता हूँ इंग्लैंड, और इसका चलाते हैं बेंचमार्क।
यार वो चेक करता है कि जावास्क्रिप्ट कितनी फास्ट चल रही है। ये आ गया भाई JS benchmark का। ये मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट किया और ये मैंने किया रन रिजल्ट। अभी ये इसको रन करेगा। अरे यार ये इसके अंदर मसला है ना, अलर्ट लगा हुआ है, अलर्ट से ये काम नहीं होगा, इसको कंसोल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अलर्ट तो और ब्लॉकिंग कोड है, बार बार रोकेगा उसको। ठीक है, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग कर दिया उसको, ताकि ये अलर्ट ना बार बार वो ना करे। कोड ब्लॉक वन और रन द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट को रन किया मैंने। अच्छा, कोड ब्लॉक टू भी तो लिखना होगा ना मुझे, टू तो मैंने लिखा ही नहीं था। इसी का मुझे इफ एल्स बनाना है ना, इफ विनिंग टीम इंग्लैंड इन, नहीं पाकिस्तान क्यों नहीं आया इसमें यार, हाँ सही है, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, यही है ना, पूरे पांच इसी तरह हैं। और एल्स में इसमें इनवैलिड टीम लगा हुआ है, एल्स में हटा देता हूँ बहरहाल, क्योंकि एल्स मैंने इसमें भी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और मैं यहाँ ला के पेस्ट कर देता हूँ इस कोड को। अच्छा, ये सेटअप कोड जो है इसको कट किया मैंने, और ये वेरिएबल जो बनता है ये सेटअप में है ना, एक ही दफ़ा बनता है वेरिएबल, ये मैंने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सही है, इसमें कोड में फ़र्क तो नहीं है ना कोई, पाकिस्तान इसमें भी है, पाकिस्तान है, इंडिया है, ऑस्ट्रिया है, इंग्लैंड है, श्रीलंका है, इंग्लैंड है, श्रीलंका। ठीक है, चलो अब रन करते हैं। अब इसमें ये बता देगा कि कौन सा वाला कोड फास्ट है इन दोनों में से, और कितने परसेंट फास्ट है, पता चल जाएगा अभी इफ एल्स ज़्यादा फास्ट है या वो ज़्यादा फास्ट है। यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट में फ़र्क क्या आया है कि स्विच स्टेटमेंट 100% अगर चलता है तो उतनी देर में इफ एल्स जो है वो 99.18% चल रहा है, यानी 0.1 और समथिंग करके फास्ट है ये। ठीक है, तो इससे हमें पता क्या चला कि बुक्स में तो लिखा जाता है कि फास्ट है, लेकिन वो कितना फास्ट है, बहुत थोड़ा सा। टर्नरी तो इफ एल्स ही है ना, वो तो इफ एल्स वाला ही काम हो रहा है, वो शॉर्ट हैंड है असल में इफ एल्स का। सही है, तो ये बेंचमार्क से हमने देखा कि ये बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, वो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैंने एक दफ़ा ना पूरे अच्छे से इसको बैठ के चलाया था, मुख्तलिफ सिनेरियो करके और पूरा करके दिखाया था, तो गूगल क्रोम में ना हमेशा यही रिजल्ट आ रहा था। सही है, गूगल क्रोम में हमेशा मुझे यही रिजल्ट मिला है। सफारी में ऑन अदर हैंड इफ एल्स ज़्यादा तेज़ है सफारी में। ठीक है, यही कोड अगर मैं सफारी में लिखूँगा ना, रन टेस्ट किया मैंने, ये गूगल क्रोम के अंदर जो इंजन चल रहा है जावास्क्रिप्ट का, वो कौन सा है, उसका नाम क्या है उस इंजन का, V8 इंजन है। सफारी में जो इंजन चल रहा है उसका नाम क्या है, हाँ भाई देख रहे हो, दोबारा 99.54 आया सेकंड टाइम मैंने ये। अच्छा, इसका मैंने जनरेट पेज URL किया, तो ये मुझे एक URL इसने जनरेट करके दे दिया। अब यही URL मैं ओपन करूँगा किस पे जाके, सफारी पे जाके ओपन करूँगा ना, सफारी पे इफ एल्स ज़्यादा फास्ट है, ये सफारी पे मैंने ओपन कर दिया सेम पेज। ठीक है, वो क्योंकि मैंने URL कर लिया था, मेरा कोड वर्ड सब उसके अंदर शामिल हो गया। अब ये रन हो रहा है, मैंने जब रन किया था तो इफ एल्स सफारी में ज़्यादा तेज़ चलता है स्विच केस के नस्बत। अच्छा, अभी इसमें भी 97 ही आ रहा है। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट है ना, ये भी इनकन्सिस्टेंट है थोड़ा,
ये भी एक इशू है इसका। अच्छा एक चीज़ नोट करो, कितना है ये, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, ठीक है। ये टेन लाख का मतलब ये है कि ये 25 लाख दफ़ा चला है और ये 24 लाख दफ़ा चला है ये कोड। 20 एक सर्टेन टाइम ये देते हैं, उस टाइम में ये कोड कितनी बार एग्जीक्यूट होता है वो असल में बेंचमार्क है। तो 25 लाख और 24 लाख का सीन है। अब यहाँ पे आके देखो यहाँ पे क्या रिपोर्ट है, अब ये फिर क्यों चला रहा है। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, 6 लाख, ठीक है। तो सफारी में जो जावास्क्रिप्ट चल रही है ना वो इन जनरल बहुत तेज़ है, पता नहीं उन्होंने क्या किया है लेकिन वो इन जनरल बहुत तेज़ है। अच्छा जब भी फास्टेस्ट इंजन की बात आती है ना तो हमेशा वो कहते हैं V8 इंजन सबसे फास्ट है, लेकिन इस स्पेसिफिक सिनेरियो में ओवरऑल हो सकता है V8 फास्ट हो, लेकिन इस स्पेसिफिक सिनेरियो में जो सफारी है ना वो 10x से भी ज़्यादा फास्ट है। यानी ये 6 लाख दफ़ा चलता है, वो चल रहा है 25 लाख दफ़ा सेम टाइम में, ठीक है। तो फास्टेस्ट इंजन भी जो अभी मौजूद हैं उसमें भी शायद कहीं ना कहीं अब चेंज आ चुका है, जो अभी तक बुक्स तक नहीं पहुंचा है या अभी तक उसको प्रेस ने कवरेज नहीं दिए। तो खैर ये जो है ना, अब बेंचमार्क भी आपको मैंने चलाना सिखा दिया और ये URL भी मैं आप लोगों से क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। कहाँ पे भला, air.sysbor और ये वेब एंटर, और ये मैंने आपसे ये शेयर कर दिया। अब इसके अंदर ना चेंजेस करके मुख्तलिफ चला के देखना कि इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट में वाकई असल में कितना फ़र्क है। अच्छा ये होता क्या है, अब ये भी बता देता हूँ असल डिफरेंस है क्या इन दोनों में। देखो ये वेरिएबल पहले से बना हुआ है जी, URL, चलो URL यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ मैं, ये लो URL पेस्ट हो गया। ये वेरिएबल बना हुआ है, ये वेरिएबल यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर तो ये वेरिएबल का डेटा मौजूद है पहले से, ठीक है, अगर ये वेरिएबल का डेटा मौजूद है पहले से तो ये क्या करता है, ये पहले ही यहाँ पे टोकन बना लेता है कि कौन से लाइन नंबर पे जाना है मुझे। इंग्लैंड का लिखा हुआ है लाइन नंबर 70, डायरेक्ट इस पे जाना है मैंने, ख़त्म हुआ। ये चेक करता ही नहीं है, ऑब्वियस बात है। अच्छा लेकिन क्या अगर आप इंजन लिख रहे होते या मैं जावास्क्रिप्ट का इंजन लिख रहा होता तो मैं क्या बेवकूफ़ हूँ, मैं इफ एल्स में भी ये काम कर सकता हूँ और करते ही होंगे ऑफकोर्स। इफ एल्स में पहले से वेरिएबल अगर मौजूद है, पहले से बना हुआ है वेरिएबल अगर, तो मैं इफ एल्स को जब कंपाइल करूँगा, ज़ाहिर कोड कंपाइल होता है ना, वाइट कोड में कंपाइल होता है, तो मैं डायरेक्ट उसमें वैल्यू रखूँ जो स्टेटिक वैल्यूज़ के साथ ये करते हैं। स्टेटिक वैल्यूज़ के साथ यही होता है ना, जो कॉन्स्ट करके जो बनती है, वो कॉन्स्ट करके जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो मेमोरी में कोई जगह नहीं लेते, पता है ना, ये हम शुरू में ये बात डिस्कस कर चुके हैं। वो मेमोरी में जगह इसलिए नहीं लेते कि जब वो कोड को पढ़ता है ना तो वो क्या करता है, कॉन्स्ट करके जो वेरिएबल है वो आगे जहाँ जहाँ होता है वहाँ पे वो रिप्लेस करके उसको कंपाइल करता है। वो कोड में उस वेरिएबल का नाम हटा के उसकी वैल्यू रख देता है और फिर कंपाइल करता है, तो ज़ाहिर है मेमोरी में कहाँ से जगह लेगा, जा ही नहीं रहा वो। तो वही सीन इसके साथ भी होता है, अगर पहले से वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है तो, ठीक है, अगर पहले से वेरिएबल में वैल्यू मौजूद है तो ये हो जाता है। अच्छा अगर तो वैल्यू आई नहीं है, अभी आने वाली है, अगर वैल्यू अगर आई नहीं है और आने वाली है तो यहाँ पे ना स्विच क्या करता है, एक टेबल बना लेता है, एक्चुअली एक क्या बना लेता है, एक टेबल बना लेता है और मोर और लेस वो इफ एल्स की तरह ही काम करता है, ठीक है। और उस टेबल के थ्रू जो है ना क्या होता है कि जो भी इनपुट आता है यहाँ पे, जैसे इंग्लैंड आया या पाकिस्तान आया, उसको देखता है वो कि पाकिस्तान किस लाइन नंबर पे जाना है। तो वो जैसे ही पाकिस्तान देखता है उसको फौरन क्या बोलता है, लाइन नंबर 61 पे चले जाओ, ख़त्म बात, ठीक है। या अगर उसकी जगह इंग्लैंड देखता है तो इंग्लैंड में डायरेक्ट लाइन नंबर 70 का कह देता है। वो एक एक करके उसको चेक नहीं करता बल्कि वो पहले ही टेबल बना लेता है क्योंकि उसको 4 पॉसिबल वैल्यूज़ पता हैं। ऑन अदर हैंड ये लेवरेज मुझे इफ एल्स में नहीं मिलता है। इफ एल्स में मुझे ये लेवरेज इसलिए नहीं मिलता क्योंकि इफ एल्स में अगर मैं इफ़ लगता हूँ फिर नीचे एल्स इफ लगा देता हूँ फिर एल्स इफ, तो वो सिंगल स्टेटमेंट नहीं है पूरा, एक इफ अलग है ऊपर वाला, नीचे वाला इफ अलग है, उसके नीचे वाला इफ अलग है, ये एक सिंगल स्टेटमेंट नहीं है। स्विच में मुझे ये लेवरेज इसलिए मिल जाता है क्योंकि स्विच की ये जो ब्रैकेट यहाँ से शुरू है ना और यहाँ पे ख़त्म है, ये पूरा एक स्टेटमेंट है,
अगर एक बार ये स्टेटमेंट लिख दिया गया तो ये चेंज नहीं होगा, अगर ऊपर नीचे इसके कोई मजीद चीज़ें ऐड नहीं होंगी, ये मुझे लेवरेज मिल जाता है। तो इसलिए इसमें टेबल बनाते हैं वो एक्चुअली। राउटिंग टेबल अगर किसी ने नेटवर्किंग में पढ़ा हो तो वो भी सेम इसी तरह काम करती है, या स्विचिंग जिसको कह लो, स्विचिंग वाला मैकेनिज्म इसमें चल रहा होता है। तो अब मजीद गूगल कर लेना कि स्विच स्टेटमेंट में और इफ एल्स में फ़र्क क्या होता है, इस पर लोगों ने बड़ी लंबी लंबी गुफ्तगू की हुई है, ठीक है। बल्कि अभी हम गूगल करते हैं ना तो आ जाएगा कोई ना कोई, रियल डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड स्विच, ठीक है। ये किसी ने आर्टिकल लिखा हुआ है लंबा चौड़ा सा, इन्होंने ये बताया हुआ है कि भाई, अच्छा ये सिंटैक्स डिस्कस किया हुआ है और ये कुछ डिफरेंसेस लिखे हुए इन्होंने। अच्छा अगर मैं लिखूं यहाँ पे परफॉर्मेंस, अच्छा यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि स्पीड जो है वो स्विच स्टेटमेंट की स्पीड पे कोई गुफ्तगू की हुई है इन्होंने। इन्होंने लिखा है अ स्विच स्टेटमेंट माइट प्रूव टू बी फास्टर, हमेशा ये फास्ट नहीं होगा, माइट भी कुछ केसेस में फास्ट होगा, ठीक है। इफ़ प्रोवाइड नंबर ऑफ केसेस आर गुड, there are only few cases it might not affect the speed of any case, prefer switch, if number of cases are more than 5 otherwise you may use if else too, more than 5 time implemented, ye kya kar raha hai, it's implemented using a lookup table or a hash list, theek hai hash bana leta hai ye uska। इट मीन्स दैट ऑल आइटम गेट द सेम एक्सेस टाइम, ये हैश जितने भी, यानी जो हाँ यहाँ पर हमारे पास 5 आइटम थे ना, पाकिस्तान, इंडिया, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड और श्रीलंका, तो ये 5 हैश इसने पीछे बना लिए और हैश का एक टेबल बना लिया, ठीक है। तो जब आपका एक इनपुट आता है तो वो उसका हैश कैलकुलेट करता है उस इनपुट का, और उस हैश को हैश से मैच करता है, तो वो ऑटोमेटिकली मैच हो जाता है और सेम टाइम पर एक्सेस मिल रहा होता है। ये तो उसने बता दिया। कंपेयर्ड टू अ लिस्ट ऑफ इफ्स वेयर द लास्ट आइटम टेक्स मच मोर टाइम टू रीच एज इट्स इवेल्युएट एवरी प्रीवियस कंडीशन फर्स्ट, अच्छा इन्होंने कोई डिटेल में बात की हुई है, ये कह रहे हैं 5 आइटम अगर आप लगाते हैं ना इफ स्टेटमेंट के अंदर तो बात फिर कुछ और होती है, और 5 आइटम से ज़्यादा लगाते हैं तो ये हो रहा होता है जो इन्होंने बताया है। 5 आइटम से पहले क्या होता है वो इन्होंने नहीं बताया, कि जब तक 5 से कम होता है इफ के अंदर तो वो उस सूरत में क्या कर रहे होते हैं। वेल अब ये एक टॉपिक है जो आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं इसको, लेकिन अगर ना स्टडी करना चाहें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। स्विच का आपको सिंटैक्स पता है, दैट्स गुड इनफ, एक प्रोग्रामर के लिए इतना पता होना गुड है, लेकिन अगर उसको पीछे का मैकेनिज्म पता हो तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा अच्छा कहाँ गया जी हमारा कोड, ये आ गया हमारा कोड। अच्छा अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है वो ज़रा देख लेते हैं बुक में, बुक कहाँ गई हमारी, स्विच स्टेटमेंट पढ़ लिया हमने, वाइल लूप इसके बाद पढ़ना है हमें, डू वाइल लूप पढ़ना है, प्लेसिंग स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट को लगाना कहाँ चाहिए, हम ये बात पहले देख चुके हैं, डिस्कवर कर चुके हैं कि जो CSS की फाइल होती है वो हम कोशिश करते हैं कि टॉप पे लगाएं अपने HTML में, और स्क्रिप्ट की फाइल हम कोशिश करते हैं बॉडी के आखिर में लगाएं। तो उस पर इन्होंने गुफ्तगू की है काफ़ी लंबी चौड़ी कि भाई क्यों ऐसा होता है, और हम इस चीज़ को लेकर एरर भी फेस कर चुके हैं पास्ट में, ठीक है। हमने ये देखा था कि अगर हम स्क्रिप्ट को टॉप पे लगाते हैं
तो क्या होता है, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके ना कुछ भी नहीं मिलता, सही है, वो इस वजह से होता है कि वो एलिमेंट बने नहीं होते उस वक्त तक, तो HTML लाइन बाई लाइन रीड होता है, तो वो HTML पूरा रीड हो चुका हो उसके बाद हम स्क्रिप्ट को चलाने की कोशिश करते हैं। तो ये मेन रीज़न है कि स्क्रिप्ट को हम बॉडी के लास्ट में लगाते हैं, वही बात इसमें सारी की भी है, इसको पढ़ लीजिएगा। और CSS का हम शुरू में क्यों लगाते हैं कौन बताएगा? जब लोड हो पेज हमारा तो स्टाइलिंग पहले से लगी हुई है उसमें, ठीक है। अगर हम CSS की फाइल को नीचे लगाएंगे तो पेज तो हमारा फास्टर लोड होगा, पेज हमारा फास्टर लोड होगा क्योंकि CSS डाउनलोड नहीं होगी, वो टाइम बचेगा हमारा, ठीक है। पेज तो हमारा जल्दी लोड होगा, लेकिन मसला ये है कि जब पेज लोड होगा तो उसमें CSS होगी नहीं, बगैर CSS के पूरा पेज रेंडर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, जो कि हम नहीं चाहते। फॉर द बेटर यूज़र एक्सपीरियंस हम ये चाहते हैं कि पेज लोड होने से पहले वो एक आध सेकेंड CSS डाउनलोड कर ले पहले, कोई मसला नहीं है, उसके बाद जब HTML रेंडर हो तो CSS पहले से उस पर अप्लाई हुई भी होगी, ठीक है, ये बेनिफिट होता है। अच्छा, दूसरा ये कि CSS एक बार जब लोड हो जाती है ना तो वो कैशे भी हो जाती है, हर दफ़ा वो उसको बार बार लोड भी नहीं करता, गूगल क्रोम उसको कैशे कर लेता है पहली दफ़ा में। अगली दफ़ा आप नोट कीजिएगा, कोई वेबसाइट आप पहली दफ़ा खोलेंगे ना ज़िंदगी में वो थोड़े देर से खुलती है, लेकिन सेकंड टाइम जो उसको खोलते हैं वो जल्दी खुल जाती है, क्योंकि बहुत सारी फाइलें उसमें कैशे हो चुकी होती हैं पहले से, ठीक है, वो बार बार लोड नहीं होती। जी लेजी लोडिंग मैकेनिज्म क्या लगता है, वो भी कर सकते हैं लेकिन आखिर में लगा दो, एक ही बात है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज डिपेंड करता है कि जैसे एक्सियोस है, अब एक्सियोस की जो लाइब्रेरी है, एक्सियोस की लाइब्रेरी जब तक पेज पूरा मुकम्मल लोड नहीं हो जाता वो इस्तेमाल नहीं होगी, ऐसा ही है ना, बटन पे क्लिक करेगा तो नेटवर्क पर रिक्वेस्ट लगेगी, पहले फॉर्म भी फिल करेगा उससे पहले, ऐसा ही है ना। अब ये वाला सीन है, तो इस वजह से एक्सियोस की जो लाइब्रेरी है वो लगेगी नीचे। अगर कोई ऐसी लाइब्रेरी है जो पेज लोड होने के दौरान काम होता है उससे, मिसाल के तौर पे जावास्क्रिप्ट की कोई एनिमेशन लाइब्रेरी है, ठीक है, और आप ये चाहते हैं कि जब पेज लोड हो, अगर मैं इस एनिमेशन की लाइब्रेरी को नीचे लगाऊंगा तो उससे क्या होगा, पेज लोड हो जाएगा, उसके बाद 2-3 सेकंड एनिमेशन नज़र नहीं आएगी, उसके बाद एनिमेशन नज़र आएगी, समझ रहे हो। तो इस तरह की कोई लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट की तो उसको मैं टॉप पे लगाऊंगा, टॉप पे लगाने की वजह से होगा क्या कि लाइब्रेरी का जो पूरा कोड है वो पहले लोड हो जाएगा, जब मेरा पेज रेंडर होगा तो पेज रेंडर होते वक्त वो एनिमेशन आ चुकी होगी जब तक। जी दोस्त, स्विच स्टेटमेंट हम किस सूरत में लगाएंगे, जहाँ पे हमें इफ में ना इक्वल इक्वल आ रहा होगा ना वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, थोड़ा रीडेबल भी होता है। स्विच स्टेटमेंट क्यों लगाते हैं, थोड़ा सा रीडेबल भी होता है, नॉट इक्वल टू में भी लग सकता है लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है, नहीं नहीं वो ऐसे नहीं होगा, वो भी बता देता हूँ मैं कैसे होगा। जैसे ग्रेड वाला काम अगर इसमें मुझे करना हो, ये कह रहे हो ना कि ग्रेड टाइप की कोई चीज़ करनी हो, स्विच स्टेटमेंट के अंदर जो जो कुछ इफ में होता है ना वो सब लग सकता है लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड कहाँ पर, जब सिर्फ इक्वल इक्वल हो ना वहाँ रिकमेंडेड हो, ठीक है। मैं करके एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है वरना उसको इग्नोर कीजिएगा। अब जो मेरा ग्रेड वाला कोड था, आ जाते हैं वो ग्रेड वाले कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये था ना मेरा ग्रेड वाला कोड, इसको मैं स्विच स्टेटमेंट के जरिए करता हूँ। अब मैंने कहा लेट परसेंटेज इक्वल टू 70, सही है, ये आ गया भाई, इस तरह से हो गया। देखो यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रू, यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, केस के आगे अब मैं ट्रू दूंगा तो ट्रू चलेगा, फॉल्स दूंगा तो फॉल्स चलेगा, ऐसे ही होगा ना। अब मैंने केस के आगे मैंने कहा परसेंटेज अगर बड़ा हो या इक्वल टू हो 80 के, तो ये जो बात लिखी है मैंने ये इवेल्यूएट होगी आइदर ट्रू पे और फॉल्स पे, ठीक है। और मैंने इस हिसाब से लिखा है कि इन सारे केसेस में से कोई एक ट्रू होगा बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, कोई एक ट्रू होगा बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है ये वाला तरीका। ज़्यादा ट्रू हो गए तो फिर जो पहला वाला ट्रू है ना वो चलेगा, बाकी वो इग्नोर कर देगा,
जो सबसे पहला जो ट्रूथ उसको मिलेगा ना वो चलेगा, बाकियों को इग्नोर कर देगा। इसका भी बेंचमार्क चला के देखते हैं, चला के देखें कि अगर इफ एल्स से मैं यही काम करता हूँ और मैं कहाँ गया मेरा गूगल क्रोम, अगर मैं वही काम इफ एल्स से करता हूँ, इसको मैंने सेटअप में लिख दिया, सेटअप ब्लॉक, ये वेरिएबल तैयार हो गया सेटअप ब्लॉक के अंदर। ब्लॉक वन में मैंने क्या लिखा, स्विच, स्विच लिखा मैंने, यही सेम चीज़ लिखी है स्विच की, और मैं अब मुझे यही चीज़ इफ एल्स वाला बनाना है, राइट, यही चीज़ मैंने सेम इफ एल्स वाला बना दिया, डी एफ तक बना दिया। It's 11 o'clock. और ब्लॉक टू में मैंने ये लिख दिया, रन द टेस्ट, देखते हैं कौन जल्दी चलता है। ये तो अटक गया भाई, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, अटक गया बिल्कुल ही, मना कर दिया उसने चलने से। दोबारा से लिखते हैं सेटअप ब्लॉक, ब्लॉक वन, उसके बाद नीचे ब्लॉक टू में इफ एल्स, ठीक है, और जनरेट यूआरएल पहले कर लेते हैं इसका, ताकि वो कोड दोबारा से ना लिखना पड़े। और जनरेट यूआरएल को मैं नीचे यहाँ पेस्ट भी कर देता हूँ, अच्छा यहाँ पे भी स्विच केस जल्दी चला है और ज्यादा चला है, ठीक है, इफ एल्स यहाँ पे भी पीछे रह गया, इफ एल्स यहाँ पे सेकंड वाले ब्लॉक में लिखा हुआ था ना, तो स्विच केस यहाँ पे, अच्छा इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया भाई, दबल 94% पे आ गया ये, ओहो यार इस पर क्लिक करने से पता नहीं इसको क्या हो जाता है, पागल हो जाता है ये। अच्छा अब 98 पे आ गया ये, अच्छा टेस्ट भी ना थोड़े से ये अनस्टेबल है, अनस्टेबल क्यों होते हैं ये, जाहिर है मशीन पे दूसरे जो चीज़ें चल रही हैं वो भी प्रोसेसर इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक है, फिर ब्राउज़र को कितना मेमोरी और कितना प्रोसेसर एलोकेट हुआ हुआ है, जब एकदम ब्राउज़र ज़्यादा मेमोरी और प्रोसेसर के लिए क्वेरी करता है तो समटाइम उसको मिलता है, समटाइम नहीं भी मिलता है, तो इसलिए कभी कभी ना थोड़ा वेरी करता है ये, लेकिन हम यहाँ से उसको देख सकते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लाख, तकरीबन ये भी 6 लाख दफा चला है, ठीक है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टिल इस केस में भी स्विच आगे निकल गया, इफ एल्स पीछे रह गया थोड़ा सा।